ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण किस तरह तबाही मची है। इस भूस्खलन ने अपने पीछे बहुत सी दुखद कहानियां छोड़ दी। कच्चे घरों में बसने वाले सैकड़ों गरीब इंसान कमजोर और कच्ची दीवारें गिरने से जान से चले गए। उनके बिस्तर और उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। कई बेटियों का दहेज भी मलबे में दब गया। इस भूस्खलन ने लोगों को एक ऐसे अपराध बोध का शिकार बना दिया है जो उन्होंने किया भी नहीं। किसी के ख्याल में भी नहीं था कि उसने तिनका तिनका जमा करके कई दशकों में जो कुछ बनवाया था वो यूं पल भर में देखते ही देखते जमींदोज हो जाएगा। हदें जब भी टूटती हैं तो तबाही आती है, बाढ़ आता है और बेशुमार जिंदगियां उसकी नजर हो जाती हैं। इस बाढ़ और भूस्खलन ने भी कुछ इसी तरह का हाल बना दिया है। अभी लगभग जो हमारा आंकड़ा है, जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है, उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो दो दिनों में रिकवर की है। तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी तरह से जो अपनी टीम्स हैं जिसमें हमारे NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, यहाँ पे लोकल पुलिस है, होम गार्ड है, उन सभी की सहायता से जो है ये सारा कार्य किया जा रहा है। जब ये रेस्क्यू हमारा चल रहा है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हमें ऐसा मिलता है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है कि कुछ लोग इसमें मतलब जो जिंदा पाए जाते हैं, तो हम अच्छे से उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ये जब हमारा पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। इस बाढ़ और भूस्खलन ने सबसे ज्यादा शिमला के लोगों को प्रभावित किया है और लोगों की जिंदगियां एक जगह थम सी गई हैं। सैकड़ों घर गिर गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं, एक दो लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक।